हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक वेलकम बैक टू नंबर्स एंड लेट्स टॉक द एंड हाउ द नंबर ऑफ पीपल एंड देन वी हैव दिस बिग चेन तो बर्थ डेथ माइग्रेशन तीन बड़े सिंपल वर्ड बट एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब यह एक्जैक्टली exactly है क्या बर्थ डेथ और माइग्रेशन ये तीन प्रोसेस है जो आपके पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं बट देन डेथ तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ग्रोथ में वो तो थोड़ा नेग्लेक्ट करेगा नंबर कम कर देगा तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन जो है वो हमेशा चेंज होता है तो जो फैक्टर्स हैं उसे चेंज करते हैं वो है आपके बर्थ रेट डेथ रेट और माइग्रेशन तो ये कैसे करते हैं इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दी नेक्स्ट स्लाइड एज इफ नाउ पेंडेमिक में इतने ज्यादा डेथ हुए हैं कि डेथ रेट शायद ऑलमोस्ट इक्वल टू बर्थ रेट हो गया है कुछ कंट्रीज का तो और कुछ दिन तो ऐसा हुआ है सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एंड कम टू आर पार्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पॉपुलेशन ग्रोथ सो फर्स्ट फैक्टर वॉट इज दिस पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स एज चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री और अ टेरिटरी मतलब एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिस कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेस मतलब जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की किसी भी कंट्री की किसी भी एरिया की किसी भी स्टेट की वो दो वे से दिखाई जा सकती है या वी कैन चेक इन टू वेस फर्स्ट इज एप्सुलूट नंबर एप्सुलूट नंबर बहुत सिंपल है टेक करेंट पॉपुलेशन एंड देन माइनस इट विथ द प्रीवियसियस पॉपुलेशन तो जो आपको नंबर मिलेगा इज योर ग्रोथ तो एप्सुलूट नंबर है चलिए और इजी कर देते हैं सो कंसीडर योरसेल्फ इन क्लास टेंथ सो टेंथ में आपको आते हैं 90 परसेंट और आपको नाइन्थ में आए थे एटी नाइन परसेंट तो टेंथ से नाइन्थ का रिजल्ट माइनस कीजिए कितना नंबर है एक परसेंट का है तो वो जो भी नंबर है जितने मार्क्स हैं, वो आपका एब्सोल्यूट नंबर ऑफ ग्रोथ है तो यहां पर इन्होंने एक बहुत छोटा एग्जांपल लिया है पॉपुलेशन ली है 2001 की और 2011 की तो 2011 की पॉपुलेशन से 2001 की पॉपुलेशन माइनस कर दी जो भी नंबर आया वो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है नंबर में दूसरा तरीका होता है परसेंटेज में अब एक चीज याद रखिए इंडिया की एनुअल परसेंटेज ग्रोथ जो है वो अभी फिलहाल 1.76 के करीब है यहां पे इन्होंने एवरेज लिया है एक नंबर जो है टू परसेंट तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ वो कह रहे हैं कि टू परसेंट है पर एन एम इट मीन जो भी आपका नंबर है उसके ऊपर टू परसेंट ग्रोथ वैसे देखा जाए तो टू परसेंट तो थोड़ा कम नंबर लगता है ना बहुत तो छोटा सा नंबर लगता है इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर बट वेन द परसेंट इज ऑफ वन पॉइंट थ्री एट सी आर देन इट इज वेरी बिग लगभग आपके 1.38 बिलियन का 2% परसेंट आप लोगे तो एनुअल ग्रोथ रेट जो नंबर होगा बहुत ज्यादा होगा लेट मी टेल यू अ फैक्ट इंडिया का जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है ना सिर्फ अगर वो नंबर आप लेते हो ना तो कई अफ्रीकन कंट्रीज की पॉपुलेशन होती है मतलब साल में जितने हमारा ग्रोथ रेट है ना वो कई अफ्रीकन कंट्रीज की पॉपुलेशन और छोटे कंट्रीज की आईलैंड कंट्रीज कीसेंट बट एप्सोलूट नंबर में वो ज्यादा हो जाती है अब हम देखेंगे फैक्टर्स जो कि इस पॉपुलेशन चेंज को इम्पैक्ट करते हैं तो सबसे पहली बात है बर्थ रेट इट्स नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड पीपल इन एन ईयर और इंडिया का जो बर्थ रेट है वो हमेशा से डेथ रेट से हाई रहा है तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा है हम हेल्दी फूड खाते हैं या हमारा एनवायरमेंट अच्छा है इसलिए हमारा बर्थ रेट जो है वो काफी अच्छा है पॉजिटिव साइड में पर बर्थ रेट इतना ज्यादा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है कुछ ज्यादा ही बड़ी है दूसरा जो फैक्टर है वो डेथ रेट डेथ रेट बिल्कुल बर्थ रेट जैसा ही है नंबर ऑफ डेथ थाउजेंड परसेंट इन एन ईयर ऑफ एन कंट्री जितने लोग मरते हैं तो ऑब्वियसली बात है यार अगर ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा लोग मरेंगे तो उसमें से थोड़ा सा कम होगा या फिर यह बैलेंस के करीब होगा लेकिन एक और चीज है जो इसमें एक इंपैक्ट आता है पॉपुलेशन चेंज में वह है माइग्रेशन सो तो पहले आग... समझिए कि माइग्रेशन है क्या मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू टूर ना दिस कुड बी फॉर मेनी रीजन आप जॉब चेंज के लिए किसी और जगह जा रहे हो या फिर स्पेशली फॉर आप शादी के बाद स्टेट चेंज कर रहे हो सिटी चेंज कर रहे हो तो माइग्रेशन में इंपैक्ट होता ही है आप याद है एक दफा हमने पढ़ा है जहां पे हम लोग बात कर रहे थे वोटर्स आईडी की जो लिस्ट बार बार चेंज होती है तो बिकॉज ऑफ बर्थ रेट बिकॉज ऑफ डेथ रेट एंड बिकॉज ऑफ माइग्रेशन

दूसरी स्टेट जा रहा हूं तो वहां पर कुछ कमी हुई है और यहां पर कुछ बढ़ोतरी हुई है मेरे एज सेक्शन का भी मेरे सेक्स का भी और मेरे ऑक्यूपेशन का भी हर चीज का चेंजेस है तो ये आपका माइग्रेशन है जो बहुत इंपैक्टफुल होता है पॉपुलेशन चेंज में और माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं एक होता है इंटरनल विद इन द सिटीज विद इन द टाउन विद इन द स्टेट्स और एक होता है इंटरनेशनल वे वी एक्चुअली गो फ्रॉम इंडिया टू अदर नेशंस इसे माइग्रेशन कहते हैं अब एक अगली टॉपिक है जो एज कॉम्पोजिशन की बात करिए वैसे तो ये पिक्चर बहुत क्लियर कर देती है वो एज कॉम्पोजिशन बट हम आपको बता देते हैं कि सिर्फ तीन कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं एज कॉम्पोजिशन में और वो सिंपल सी है हमारी बच्चे चिल्ड्रन जो कि पंद्रह साल से कम की एज के हैं तो फर्स्ट कैटेगरी चिल्ड्रन बिलो द 15 इयर्स ऑफ एज सेकेंड कैटेगरी 15 टू 59 नाइन ईयर्स ऑफ एज अब इन दोनों के बारे में पहले बात कर लेते हैं सी बिलो 15 दे आर ऑल चिल्ड्रन इकोनॉमिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स या फिर अर्निंग मेंबर इन द फैमिली सो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है बट ये फ्यूचर रिसोर्स है एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन दम हाउ वी आर इन्वेस्टिंग थ्रू एजुकेशन हेल्थ और और कौन सी चीज आप इन्वेस्ट करते हो हम सबसे ज्यादा उनके हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में ट्रेनिंग पे तो ये तीन चीजें जो हम इन पर इन्वेस्ट करते हैं टू मेक देम फ्यूचर वर्किंग पॉपुलेशन क्वालिटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम कितनी अच्छी क्वालिटी हमारी डेवलप हो रही है तो वर्किंग पॉपुलेशन का एज है 15 टू 59 दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं ये लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनमी के लिए अगर मैं इस तरीके से देखूं तो फिर जो चिल्ड्रन है तो वो तो वेस्ट पीस ऑफ मीट हो गए ना नहीं ध्यान रखिए मैंने कहा कि वी आर इन्वेस्टिंग द फ्यूचर रिसोर्स सो दे आर नॉट वेस्ट आई मीन यू आर थर्ड कैटेगरी और ये है एज्ड इन्हें भी हम थोड़ा सा डिपेंडेंट ही कहते हैं अबव दस अब दिफ्टी नाइन ईयर्स देखिये ये लोग ऐसा नहीं है कि फिफ्टी नाइन के बाद आप रिटायर हो जाते हो पर लॉजिकली फिफ्टी नाइन अब जो है वो वॉल्टरली हम कंसिडर करते हैं कि ये रिटायरमेंट एज है सिक्सटी की तो उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे द हाउ इज द डे कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनमी सिंपली आपके दादाजी आपकी दादी जी या नाना जी या नानी जी जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं ध्यान रखिए दे कैरी एक्सपीरियंस एंड दैट इज वॉट दे शेयर विद वर्किंग पॉपुलेशन टू मेक द मोर प्रोडक्टिव और वो एक पिलर होते हैं सो दे आर ऑल्सो नॉट वेस्ट उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो 15 ईयर से बिलो की है फिर 59 नाइन एंड अब की है दो दे आर नॉट डिपेंडेंट वन इज फ्यूचर ऑफ द कंट्री द अदर वन दी एक्सपीरियंस 41.3 परसेंट इंडिया वैसे अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इट्स नॉट हेल्दी एक बंदा एक बंदे को खिला रहा है दिस इज हाउ इट shows, but then the other side of the coin which is more positive, हमारे पास यंग पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है We are a very young country, हमारा future बहुत यंग है और bright है अगर वो आप लोगों के हाथ में है तो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की बहुत सिंपल सी टॉपिक है नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल ये आपको एक रेशियो देगा एक नंबर देगा एंड दैट इज नोन एज सेक्स रेशियो ये हेल्दी तब होगा जब ये इक्वेलेंट टू थाउजेंड है थाउजेंड वीमेन पर थाउजेंड मेल वो इक्वेलेंट होगा बट देन द सैड पार्ट इज इन सर्टन स्टेट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी द नंबर इज नॉट हैप्पी और द गुड वन एट सेवेंटी सेवन फीमेल पर थाउजेंड मेल्स हरियाणा का है जो कि इतना हेल्थी सेक्स रेशियो नहीं है then, अगर मैं बात करूं कुछ अच्छे स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की तो यू हैव पे 1001 फीमेल पर थाउजेंड मेल्स अच्छा सेक्स रेशियो है केरला केरला का जो सेक्स रेशियो है वन फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें अगर पूरी पॉपुलेशन को हम देखें मेल और फीमेल में डिवाइड करें और उनको हजार की ब्रैकेट में रखें तो केरला में एक हजार अगर मेल होंगे तो उसी ब्रैकेट के रिलेटेड एक हजार चौरासी वन थाउजेंड एट्टी फोर फीमेल होंगी इट्स हजार आपको मेल मिलेंगे और एट सेवनटी सेवन फीमेल मिलेंगे चलिए और थोड़ा इजी कर देता हूं अगर आप उन हजार में से हैं और नंबर वाइज शादी हो रही है तो सिर्फ एट सेवेंटी सेवन मेल्स को लड़कियां मिलेंगी बाकी के आप रंडवे रह जाओगे तो क्या करना चाहिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ दैट्स द मोटो प्लीज फॉलो इट सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक है हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे बट उससे पहले आप इसे रिवाइज कीजिए एंड कीप स्माइलिंग आई सी यू